हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, स्टडी किया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले साल हमने एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 10th को कवर किया था, वैसे ही हम इसी साल क्लास 9th और क्लास 10th को कवर करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है अध्याय 2 चैप्टर 2, जिसका नाम है बहुपद। ठीक, पॉलीनोमियल्स। हम देखते हैं बहुपद में दो भाग है, एक तो है बहु और दूसरा है पद। मतलब कि बहु के लिए हो गया ये बहुत सारे, और पद का मतलब पद, बहुत सारे पद को ही हम बोलते हैं बहुपद। ठीक, बहुत सारे पद को बोलते हैं हम बहुपद। अब हमारे पास एक आता है चर और एक आता है अचर, चर राशि और अचर राशि। ठीक, चर राशि और अचर राशि किसे कहते हैं? जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे हम बोलते हैं चर राशि एक्स वाई जेड। और जिसका मान हमेशा नहीं बदलता, मतलब कभी नहीं बदलता, या जिसको हम बोल सकते हैं वास्तविक संख्याएं जो होंगी वो होंगी अचर राशि, मतलब कि 1, 2, 3 ये कभी नहीं बदलेगी, इसे हम बोलते हैं अचर राशि। ठीक, अब हमें इस अध्याय में सबसे पहले देखना होता है बहुपद क्या होता है। तो बहुपद का एक व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये बना कैसे, उसे हमें देखने के लिए हमें बहुपद के प्रकार पढ़ना पड़ेगा। बहुपद के प्रकार के लिए हम देखेंगे घात के आधार पर और पदों के आधार पर। सबसे पहले हम देखेंगे घात के आधार पर, आधार पर, और दूसरा हम देखेंगे पदों के आधार पर। ठीक, पदों के आधार पर देखो, यहाँ पर एक पद, दुई पद और त्रिपद, मतलब तीन पद के हिसाब से बनेगा। तो हम बोलेंगे पदों के आधार पर पहला होगा एक पदी, दूसरा होगा द्विपदी और तीसरा होगा त्रिपदी। एक पदी का मतलब जिसमें सिर्फ एक पद हो उसे हम बोल सकते हैं 2x, या बोल दें 2x स्क्वायर। ऐसी जो संख्याएं आए 7x, जो भी ऐसी संख्याएं आए जिसमें सिर्फ एक पद हो उसे हम बोलेंगे एक पदी। अब द्विपदी के लिए हम देखते हैं जिसमें दो पद हो, दो पद के लिए हम लिख देते हैं 2x प्लस 3, या लिख सकते हैं 7x स्क्वायर प्लस 3, मतलब जिस पर दो पद होंगे उसे हम बोलेंगे द्विपदी। अब देखते हैं हम त्रिपदी, त्रिपदी क्या होगा जिस पर तीन पद हो, जैसे वहाँ पर था। त्रिपदी के लिए हम लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यह देख लेते हैं 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। जो भी ऐसे तीन पदों में जो संख्याएं होंगी उसे हम बोलेंगे त्रिपदी, जो बहुपद तीन पदों में होंगे उसे हम बोलेंगे त्रिपद बहुपद। ठीक, अब हम देखते हैं घात के आधार पर, घात के आधार पर भी बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। इसके प्रकार देखते हैं, सबसे पहले रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद मतलब जिस बहुपद की घात अधिकतम एक हो। देख लेते हैं 2x प्लस 1, यहाँ पे x की घात 1, जहाँ पे x की घात मतलब जो हमारा चर था उसकी अधिकतम घात क्या होगी, उस बहुपद की अधिकतम घात। तो रैखिक बहुपद में क्या होगा, यहाँ पे घात 1 है x की, तो मतलब इसकी अधिकतम घात इस वाले बहुपद की घात अधिकतम 1 है, तो इसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। दूसरा आता है द्विघात, द्विघात बहुपद मतलब इसकी अधिकतम घात 2 हो, जैसे यहाँ पर थी, जैसे यहाँ पर थी, या जैसे यहाँ पर थी। ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं, अच्छा इसका व्यापक रूप लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका व्यापक रूप लिखेंगे तो ए एक्स प्लस बी। इसके लिए अगर हम दूसरा कोई देखते हैं तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसे ले सकते हैं। अब हम देखते हैं त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होता है जिसकी अधिकतम घात 3 हो, अधिकतम घात 3 हो, अगर हमें इसका व्यापक रूप लिखना हो तो ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होगा इसका व्यापक रूप। इसके लिए अगर हम कुछ लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, ये होगा इसका कोई त्रिघात बहुपद। अब इनसे रिलेटेड हमें कुछ फॉर्मूले देखना होगा। फॉर्मूले क्या होंगे, हमें देखना होगा रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के जो व्यापक रूप है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, इन तीनों के लिए हमें कुछ फार्मूले देखना है जो कि एक्सरसाइज 2.2 में आएंगे। 2.1 में ज़्यादा कुछ नहीं है, वहाँ पर हमें ये देखना होता है कि अगर ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो 2.1 में ये बोलता है कि उसके शून्य कितनी जगह पर है। तो मान लेते हैं ये यहाँ से क्रॉस करके यहाँ से जाए, मतलब ये जो एक्स अक्ष है इसको दो बार क्रॉस करे तो हम बोलेंगे इसके दो शून्य है। अगर ये यहाँ से क्रॉस करते हुए ऐसे रिटर्न चला जाए तो एक दो और एक तीन जगह पर क्रॉस करेगा, मतलब हम इसको बोलेंगे तीन शून्य है। अगर मान लेते हैं ये ऐसे क्रॉस ना करे और सिर्फ ऐसा जाए, तो अब ये एक्स अक्ष को तो कहीं प्रतिच्छेद कर ही नहीं रहा, तो इसके कोई शून्य नहीं होंगे, मतलब शून्य जीरो होंगे। वैसे ही दे देगा, अगर बहुत सारे ऐसे दे दिए तो इसको गिन लो एक दो तीन चार शून्य के, मतलब एक्स अक्ष पर जितनी बार क्रॉस करेगा वही उसके क्या होंगे, शून्य होंगे। आइए अब हम देखते हैं रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के लिए फॉर्मूले। अब हम देखते हैं रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के लिए कुछ फॉर्मूलेस। ठीक, सबसे पहले तो ये समझ लो कि अल्फ़ा, बीटा और गामा ये तीनों लैटिन वर्ड है, यूनानी भाषा के शब्द लिए गए हैं। इनका मतलब यहाँ पर सिर्फ ये होगा कि हम इन्हें सिंबल के लिए यूज़ करेंगे, मतलब प्रतीक चिन्ह होंगे ये हमारे लिए। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं रेखिक बहुपद होता है ए एक्स प्लस बी। अब हम लिखते हैं माना कोई रेखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो, तो हम लिखते हैं माना कोई रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद हमारे पास कोई भी हो सकता है, हम अभी यही ले लेते हैं ए एक्स प्लस बी के शून्यक, ए एक्स प्लस बी के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो, अल्फ़ा और बीटा हो तो हमारे पास क्या है, एक रेखिक बहुपद है ए एक्स प्लस बी, इसके शून्यक हम बोल रहे हैं अल्फ़ा और बीटा जो ये लिए थे वो हो तो। तो क्या कहते हैं हम, पहले तो शून्यकों का योगफल देख लेते हैं, शून्यकों का योगफल, योगफल शून्यकों का योगफल मतलब जो शून्यक है उनका योग, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अचर पद, अचर पद बटे में एक्स का माइनस का अचर पद बटे एक्स का गुणांक, ये होता है इसका फॉर्मूला। या हम इसे शॉर्ट में ये लिख सकते हैं कि अचर पद बटे एक्स का गुणांक, इसे लिख सकते हैं माइनस का बी और बटे में ए। ठीक, दूसरा हम लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, फिर से आपको यही करना है जो आपके पास दिया गया हो, सी अपॉन ए। ठीक, और यहाँ पर अचर पद फिर से वही हो जाएगा, बी जो होगा वही और बटे में ए मतलब एक्स का गुणांक। ठीक, अब हम देखते हैं द्विघात बहुपद के लिए, इसके लिए क्या है हमारे पास द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमें क्या करना है इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना है। तो हम लिखेंगे माना, माना कोई द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का हो जिसके शून्यक है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा हो, अल्फा और बीटा हो तो। जब हमारे पास कोई द्विघात बहुपद देके रखा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इसके शून्यक हमें अल्फ़ा और बीटा दिया हो, तब क्या करेंगे हम, जब क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा हमें करना क्या है। अभी हम देख लेते हैं तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल फिर से वही अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। यहाँ पर माइनस का बी मतलब एक्स का गुणांक और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसे आप लिख सकते हो एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, ऐसे नहीं लिखना हो तो सिर्फ लिख लेना अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। दूसरा हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, सी होता है यहाँ पर अचर पद मतलब अचर का गुणांक और बटे में ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक,
वैसे ही हम देखते हैं तीसरे के लिए मतलब त्रिघात बहुपद के लिए हमें कोई त्रिघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का अगर दिया हो तो इसके लिए लिखेंगे हम माना कोई त्रिघात बहुपद, माना कोई त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद किस रूप में है ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो, और इसका शून्यक और क्या दे दे हो तथा इसके शून्यक अब देखो त्रिघात होगा तो इसके शून्यक तीन निकलेंगे मतलब अल्फा बीटा और गामा हो, तो मतलब कि क्या यहाँ पर अब आ गया त्रिघात बहुपद। जब त्रिघात बहुपद आएगा तो इसके लिए तीन फॉर्मूले बनेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अल्फा बीटा गामा इसके तीन शून्यक अलग अलग हमें प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस का बी बटे ए। दूसरा हम देखते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर, देखो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और साथ में गामा मतलब माइनस का बी बटे ए आ जाएगा। दूसरा क्या है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो जाएगा अचर का गुणांक बटे घात तीन का गुणांक, ठीक। तीसरा फार्मूला इस पर आता है अल्फा बीटा और गामा, तीसरा फार्मूला इस पर आता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होता है ये होता है माइनस का डी अपॉन ए, मतलब जो अचर पद होगा और जो घात तीन का पद होगा। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा क्या होगा जो एक्स का गुणांक होगा और जो एक्स की घात तीन का गुणांक होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा स्क्वायर का गुणांक और बटे घात तीन का गुणांक, ठीक। उम्मीद है कि ये फॉर्मूले आपको समझ में आए होंगे। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल देखते हैं और फिर एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर दो। एग्जांपल नंबर दो हमें कहता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस दस के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जाँच कीजिए। मतलब अपने को एक बहुपद दे के रखा है क्या एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस दस, इसमें अपने को सबसे पहले करना है इसके शून्यक ज्ञात करना है। जब इसके शून्यक निकल जाए तब हमें क्या करना है इसके शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है, ठीक। हम सबसे पहले देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस दस। देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जब व्यापक रूप है तो इस पर हम नौवीं में भी ये पढ़ें कि हमें गुणनखंड जब इसके करना होता है तो हम क्या करते हैं ए और सी का गुणा और उसे तोड़ते हैं बी में। हमें करना होता है ए और सी का गुणा करो और बी में तोड़ो, मतलब कि गुणा करने पे ए और सी जो आए वो जोड़ने घटाने पे बी के बराबर आए। हम देखते हैं यहाँ पर देखो ए बराबर ए किसके साथ होगा ए जो होगा एक्स स्क्वायर के साथ होगा मतलब इसके साथ होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब एक होगा तो ए का मान एक होगा। बी बराबर कितना दिया है बी बराबर हमें दिया है सात, क्यों? क्योंकि बी जो होता है वो एक्स के साथ होता है। और सी बराबर क्या होता है सी होता है अचर पद, तो अचर पद यहाँ पर क्या है दस, मतलब ए बराबर एक होगा बी बराबर सात होगा और सी बराबर दस होगा। हमें ए और सी का गुणा करना है, ए और सी का गुणा मतलब एक और दस का गुणा करना है। हम कर देते हैं एक गुणा दस बराबर दस एकदम दस। अब हम ऐसे गुणनखंड करेंगे दस के, हम दस के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने घटाने में सात आए। हम देखते हैं पाँच पाँच प्लस दो, पाँच प्लस दो बराबर सात और पाँच गुणा दो बराबर दस, मतलब पाँच दूनी दस भी हो जाएगा और पाँच प्लस दो करोगे तो सात आ जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं सात के साथ में एक्स लगा है, मतलब इस सात के साथ में तब एक्स आएगा जब इसके साथ भी एक्स हो और इसके साथ भी एक्स हो, मतलब जहाँ पे सात एक्स लिखा है वहाँ पे हम लिख सकते हैं पाँच एक्स प्लस दो एक्स। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, क्या कर सकते हैं अगर हम छोटी संख्या आगे लेते हैं तो प्लस दो एक्स और प्लस का पाँच एक्स, जहाँ पर सात एक्स लिखा हमने ये वाली पूरी संख्या लिख दिए। उसके बाद हमने क्या देखा प्लस का दस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर इसे क्या क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो एक्स गुणा एक्स और दो एक्स को आप क्या लिख सकते हो, दो एक्स को आप लिख सकते हो दो गुणा एक्स, मतलब एक्स जो है यहाँ पर कॉमन है तो x को आप कॉमन निकाल दो। बचा क्या, देखो एक x चला गया तो एक x अंदर बचेगा, बीच में प्लस है प्लस लगा दो और नीचे में सिर्फ x गया तो बचा क्या दो, ठीक। 5
पाँच एक्स को आप क्या लिख सकते हो, पाँच गुणा एक्स बराबर पाँच एक्स, और दस को क्या लिख सकते हो, दस को आपने लिखिए पाँच दूनी दस, मतलब पाँच गुणा दो बराबर दस, मतलब यहाँ पर पाँच जो है वो कॉमन है, तो आप क्या लिख सकते हो, प्लस का पाँच कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचा, अंदर ऊपर में बचा एक्स और नीचे में बचा प्लस दो, ठीक है। अब जो यहाँ पर कॉमन है उसे एक बार लिखो, तो हम लिखते हैं एक्स प्लस दो, और जो अलग से है उसे एक बार लिखो, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस पाँच। जब हमें इनके शून्यक निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इसके बराबर में जीरो, जब इसके बराबर में जीरो करोगे तो एक्स प्लस दो बराबर जीरो, तो एक्स बराबर जो संख्या इधर प्लस की है ये बराबर की इधर आएगी, तो माइनस का दो, ठीक। अगला है एक्स प्लस पाँच बराबर जीरो, तो जो संख्या इधर प्लस की होगी वो फिर से बराबर की इधर आएगी, तो माइनस के पाँच, ठीक। अब हमारे पास दो शून्यक आ गए, एक तो माइनस का दो और एक माइनस पाँच, हम लिख देंगे, आता है हमारे पास जो द्विघात बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस दस के शून्यक, के शून्यक अल्फा और बीटा, मतलब कि माइनस दो और माइनस पाँच है। अब हमें क्या करना है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, तो हम देखते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये रहा अल्फा एक और ये रहा बीटा, मान लेते हैं ये अल्फा है और ये बीटा है, माइनस पाँच जो है बीटा है और माइनस दो अल्फा है, तो हम क्या करते हैं माइनस का दो और प्लस में माइनस का पाँच बराबर में माइनस का बी, माइनस का बी, देखो बी जो है सात है तो हम उसके आगे माइनस लेते हैं, अंदर में सात और बटे ए, ए क्या है यहाँ पर एक, ठीक। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस दो माइनस पाँच बराबर, इधर ये माइनस का गुणा होगा माइनस का सात, पाँच और दो माइनस का सात बराबर माइनस सात, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, ये बराबर आ गया। अब हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा, देखो अल्फ़ा रहा हमारा माइनस का दो और बीटा रहा माइनस का पाँच बराबर सी बटे ए, सी यहाँ पर है दस और बटे ए, ए यहाँ पर है एक, ठीक, ए यहाँ पर है एक। जब इसका गुणा करोगे माइनस और माइनस गुणा होके प्लस और पाँच दूनी दस, दस बराबर इधर आ गया दस, मतलब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच होती है। ऐसे ही हम उदाहरण तीन और उदाहरण चार को भी देखते हैं। अब हम देखते हैं उदाहरण तीन, उदाहरण तीन क्या है हमारा, उदाहरण तीन कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस तीन के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो नौवीं में एक सर्वसमिका आपने ये पढ़े हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक। नौवीं में एक सर्वसमिका आपने पढ़े हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर आप इसे इस तरीके से लिखना चाहो, इस तरीके से लिखना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको कर दो करनी तीन और इसका भी लगा दो वर्ग, ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसे लिख दोगे आप एक्स प्लस करनी तीन और अगला लिख दोगे एक्स माइनस करनी तीन, हो जाएगा। अब आप क्या देखते हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वर्ग से ये करनी कटेगी तो ये बचेगा माइनस का तीन बराबर, ये आ जाएगा इधर एक्स प्लस करनी तीन और ये आएगा एक्स माइनस करनी तीन, ठीक। अब ये तो यही हो गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस तीन, तो बचा क्या हमारे पास एक्स प्लस करनी तीन और एक्स माइनस करनी तीन, तो हम सिर्फ ये लिखते हैं एक्स प्लस करनी तीन और अगला बचा हमारे पास एक्स माइनस करनी तीन। और जब हमें शून्यक निकालना होता है तो बराबर किसके करना पड़ता है, जीरो के, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या, एक्स प्लस करनी तीन बराबर में जीरो, तो एक्स बराबर जो संख्या प्लस की होगी ये बराबर की इधर आएगी तो माइनस की। अगला क्या होगा, अगला हो जाएगा एक्स माइनस करनी तीन बराबर जीरो, तो जो संख्या इधर माइनस की है ये बराबर की इधर आएगी तो प्लस का करनी तीन, मतलब हमारे पास बहुपद जो दिया गया था द्विघात बहुपद आता है एक्स स्क्वायर माइनस तीन के शून्यक, क्या क्या निकल के आए शून्यक हमारे पास, एक तो आया माइनस का करनी तीन और एक तो आया और प्लस का करनी तीन है, मतलब ये अल्फा और बीटा है, ठीक। तब हम क्या करते हैं शून्यकों का योगफल और गुणनफल,
तो हम देखते हैं सबसे पहले शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा मतलब कि माइनस का तीन करणी तीन और प्लस करणी तीन बराबर क्या होना चाहिए, माइनस का बी बटे ए। यहाँ पर बी क्या है, बी क्या होता है, बी होता है एक्स के साथ का गुणांक। ठीक, एक्स के साथ का गुणांक यहाँ पर क्या, एक्स का कोई पद है नहीं है, मतलब बी का मान कितना है जीरो, और बटे में ए, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक। ठीक, ये देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस का करणी तीन और प्लस का करणी तीन। अगर इसे आगे लेके जाते हो तो ये हो जाएगा करणी तीन माइनस करणी तीन बराबर में इधर बचा जीरो, करणी तीन में से करणी तीन घटाओगे आ जाएगा जीरो। ठीक, अब हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा, देखो अल्फ़ा और बीटा हमारे पास एक तो माइनस का करणी तीन और गुणा में प्लस का करणी तीन बराबर सी बटे ए। सी क्या होता है, अचर पद, माइनस का तीन और बटे में ए, ए का मान है एक। ठीक, जब इसका गुणा इससे होगा, करणी का गुणा करणी से होगा, मतलब कि ये हो जाएगा माइनस का तीन गुणा तीन बराबर में हो जाएगा माइनस का तीन। देखो जब जोड़ा हो जाता है तो करणी के बाहर आता है और आगे माइनस लगाया और बराबर की तरह माइनस का तीन, मतलब कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हमारी सत्यता की जांच होती है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल चार। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर चार। उद्घारण नंबर चार आपका कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः माइनस तीन और दो है। मतलब कि आपको शून्यकों का योगफल देके रखा है माइनस तीन और गुणनफल देके रखा है दो। ठीक, हम सबसे पहले लिख लेंगे हल में दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या दिया है हमें, माइनस का तीन, और शून्यकों का गुणनफल क्या देके रखा है, गुणनफल बराबर हमें देके रखा है दो। अब देखो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, हमें इसको पता है कि जब हमारे पास कोई द्विघात बहुपद होता है और जब हम इसके शून्यक निकाल लेते हैं तब हम क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। जब हम शून्यकों का गुणनफल और योगफल करते हैं तो हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर करते हैं सी बटे ए। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल ये देके रखा है माइनस का तीन, और ये देके रखा है अल्फ़ा इंटू बीटा सी बटे ए, ये देके रखा है आपका दो। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको शून्यकों का योगफल ये ऑलरेडी देके रखा है माइनस का तीन, तो ये तो हो गया माइनस का तीन और इसके आगे ये माइनस आ गया, और बटे में ए यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे एक। अब यहाँ पर भी सी तो ये हो गया, बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे एक, मतलब कि यहाँ से हमारे पास बी का मान आ गया माइनस का तीन प्लस का तीन, और यहाँ पर ये क्या हो गया सी, ये हो गया और ए का मान यहाँ से एक हो गया। समझ में आ रहा है, मतलब कि ए बी और सी हमारे पास जब ए बी और सी निकालने को होंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए माइनस का बी बटे ए। जब ये माइनस टूटेगा तो ये क्या आएगा तीन बटे एक, तो ये क्या हो जाएगा बी का मान, और ये हो जाएगा ए का मान, ए का मान यहाँ से भी एक है, तो हम क्या लिख देंगे ए बराबर आ गया एक, बी बराबर आ गया तीन, और सी बराबर आपका आ गया दो। तो द्विघात समीकरण से, तो द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण क्या है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का मान हमारा रहा एक मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान रहा तीन तीन एक्स प्लस सी का मान रहा दो, ये रहा इसका द्विघात बहुपद, जो कि हमारे पास जब दो शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो ये बहुपद जो होगा ये दी गई शर्तों को संतुष्ट करता है। और अन्य कोई द्विघात बहुपद जो कि दी गई शर्तों को संतुष्ट करेगा वो होगा के एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन। 2.2 में क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन नंबर दो में आपको पहले तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल और साथ में सत्यता जांच करनी है शून्यक के साथ में। दूसरे क्वेश्चन में आपको शून्यक दिया होगा और क्या पूछेगा, द्विघात बहुपद। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।